बस चल रही है अपने आगे आगे चल रही है। फ्रेंड कैसे हो और ठीक ही होंगे, बाकी तैयार हो गए और आज भी नालागढ़ से ब्लॉग शुरुआत हुई है। बाकी मिलते हैं रास्ते में, चलते हैं यहाँ से, सुबह ही निकलते हैं। फिलहाल आ गया कार पार्किंग में आ गया और अभी कार निकालनी है बाहर, फिर रिंकू के साथ ही जा रहा हूँ मैं। फ्रेंड फिलहाल मुड़ गए हैं चंडीगढ़ की तरफ और रिंकू मेरे साथ ही है, बाकी हम चश्मा वाले रोड पे हैं इस टाइम फिलहाल। और हमारे आगे चल रही है CTU की बस, शायद मैं यही बस पकड़ूं आगे, क्योंकि रिंकू जा रहा है चंडीगढ़ तक, उससे आगे मुझे अपना बस में ही जाना पड़ेगा। CTU की बस हमारे आगे आगे है, तो बस चल रही है अपने आगे आगे चल रही है CTU की बस। और ये पहाड़ी इलाका आ गया, उसके बाद झील भी आएगी आगे, वो भी दिखाएंगे आपको, चश्मा झील आएगी। फ्रेंड पंजाब के अंदर एंटर करते ही बारिश शुरू हो गई है और सामने देखो झील, ये अपना कौन सी झील है, सुखना नहीं है ये ये झील है जो रोड मैंने बताया था, चश्मा झील है इसका, झील का नाम है चश्मा झील। और सातवीं झील के थोड़ी सी आगे जाके ऊपर चश्मा डैम भी है। तो फ्रेंड पहुंच गए हैं चंडीगढ़, पहुंच गए हैं मुल्लापुर बैरियर, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर तक। और अभी यहां से हम पकड़ेंगे बस और इसने जाना है चंडीगढ़ काम है, तो फिर मैं बस स्टैंड जाके मिलता हूं आपसे थोड़ी देर तक। फिलहाल यहां से भी बस लेनी है, चलते हैं ना। से निकलते हैं जो ये चौक है मुल्लापुर चौक पर उतरे हम फिलहाल, और यहाँ से हमने 43 सेक्टर 43 ISBT की बस लेनी है और चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड बस मिल गई हमें 43 सेक्टर की और बैठ गए उसमें, और अभी मिलते हैं आपको बस स्टैंड पे। ये जो मार्केट है सारी मार्केट अपना मार्बल की है, अभी फिलहाल बंद है, दनास कह सकते हैं इसको। देखो
ओवर एंड पहुँच गए हम, ISBT में पहुँच गए और यहाँ से लेनी है पौंटा साहब की बस। अभी देखते हैं, ये लोकल बस स्टैंड था और अभी दूसरा आगे जाके है, बहुत बड़ा बस स्टैंड था करता वहाँ पर ना। ये है सारा बस स्टैंड। अभी अपना काउंटर देखना पड़ेगा, यहाँ पठानकोट जिले नज़दीक ही है हरिद्वार। हम शायद गलत आ गए, हमारा काउंटर आगे ही है। अपना काउंटर यहाँ बस आनी है, अभी आई नहीं कोई बस। सामने जो बसें है ग्रीन कलर की, सारी अपना इलेक्ट्रॉनिक बसें है। देखो वो चल रही, बाकी खड़ी है एशर की, अशोका लेलैंड की। बस आ गई अपनी देहरादून की, पर ये AC वाली बस है, इसमें नहीं जाना। एक और आई है, फिलहाल सिंपल बस का इंतजार करते हैं, जैसे आएगी उसमें जाएंगे। अपनी बस आ गई है खड़ गई आगे, और यहाँ से मिलेगी इसकी टिकट ले ली हमने। और ये सीट है हमने 14 नंबर खिड़की के पास वाली, और सामान रख दिया अपना यहीं पर। चल पड़े हैं यहाँ से चंडीगढ़, पहुँच गए चंडीगढ़ के बॉर्डर पे, पंचकुला और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड चौक। फ्रेंड अभी बस रुकी है, लंच के लिए रुकी है, और लंच तो हमने क्या करना, अभी तो 12:30 ही हुए हैं। और बाकी टिकट भी चेक हुई है यहाँ पर, टिकट चेक कर भी थे। ये है ढाबा ये वाला, और ये अपनी बस है जिसमें आ रहे हैं, और कालाम पहुँच गए फिलहाल हम। अभी कालाम में लगा हुआ जाम, ट्रला बसा हुआ यहाँ पर।
फ्रेंड पौंडा साहब पहुँच गए और यहाँ बारिश नहीं है, पीछे बारिश थी और मौसम हुआ हुआ वैसे बद्रीपुर चौक पे है फिलहाल और लेते हैं यहाँ से टेम्पू। बस खड़ी है वैसे तो शर्मा जी की, बस में चढ़ते हैं। तो फ्रेंड पहुंच गए हैं गोंदपुर और अब चलते हैं घर, बाकी घर जाके फिर देखते हैं क्या करना है, वहां से मोटरसाइकिल उठाते हैं और बाकी जो काम है आज के पेंडिंग वो करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। तो फ्रेंड घर पहुंच गए हैं और मनार की आज जल्दी छुट्टी होगी है, 2:30 बजे छुट्टी होगी मनार की जल्दी, और अभी थोड़ा सा आराम करेंगे फिर मिलते हैं आपको ना आराम करने के बाद। मैं और मना देख रहे हैं यूट्यूब में कार्टून देख रही है, मना मैं भी उसके साथ कार्टून ही देख रहा हूँ। मना कौन सा कार्टून देख रही है? कार्टून देख रही है। तो फ्रेंड खाना भी खा लिया है अभी और थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है अभी बस का सफ़र करना बहुत ही, यानी कि मैं सुबह 7 बजे चला था और शाम को 4 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, तो आप देख लो कितने घंटे में पहुँचा और थकावट हो गई थी, थोड़ा सा नींद भी आ गई थी, सो भी गए थे। बाकी सफ़र आपने देखा होगा सारा, आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में बताना आप जहाँ जहाँ मैं गया हूँ आप कहाँ कहाँ गए हुए हैं और कितनी बार गए हुए हैं ये भी बताना, कमेंट ज़रूर करना। बाकी आज के लिए इतना ही, अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करने के बाद फिर सोएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं सुबह।